हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल सीक्वेंस। हमारा वीडियो ये है कि रामायण हमारी हिस्ट्री है या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तब कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ एक मीथ है या हिंदू कल्चर की माइथोलॉजी है, यानी कि फिक्शनल धार्मिक कहानियाँ। बट देर आर सम प्रूफ्स along with scientific databases which makes us think that Ramayana is our history and not just mythology. Now without any delay, let's get started. Proof number 1. America ke ek archaeological research team ne ye pata lagaya hai ki Ram Setu, jise wo Adams Bridge ke naam se jante hain, वो एक्चुअली में एक मैन-मेड ब्रिज है और हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि राम सेतु में यूज्ड पत्थर फ्लोट करते थे, एंड इवन इफ हम आज भी ऐसे ही पत्थर रामेश्वरम में और कई दूसरी जगह पर देखते हैं जो मे बी वहां फ्लोट करते हुए चले गए। तो क्या इसका मतलब रामायण सच है या सिर्फ एक कहानी? लेट्स सी आवर अनदर प्रूफ। प्रूफ नंबर 2। 1837 में जर्मन जियोलॉजिस्ट को 4 टस्क एलिफेंट्स का फॉसिल्स मिला, जिसे गोम्फोथेरिस नाम दिया गया है। इसका वर्णन सिर्फ वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में किया गया है कि जब हनुमान लंका में रावण के पैलेस में प्रवेश करते हैं तब उन्हें 4 टस्क एलिफेंट दिखते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये बात और किसी भी बुक में पहले मेंशन नहीं किया गया था। प्रूफ नंबर 3। रामायण में मेंशनड डेट ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा इज डिस्क्राइब्ड एज द पोजीशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस एंड नक्षत्रस। ये इंफॉर्मेशन जब नासा के प्लैनेटोरियम गोल्ड में डाला गया तो मोस्ट सरप्राइजिंगली इसका रिजल्ट वाल्मीकि रामायण में मेंशन डेट से मिलता था, जो कि था 9th जनवरी नून टाइम 5114 BC। ये तो कुछ प्रूफ्स थे, लेकिन हम जो चमत्कार के किस्से कहानियां रामायण में सुनते हैं, क्या वो भी सच है? वेल, नो डाउट वाल्मीकि और अदर राइटर्स जिन्होंने इसे लिखा था, ये कोर पोएट्स थे जो अपनी हर पोएम या स्टोरी में क्रिएटिविटी ऐड करते थे और अपने रीडर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते थे। एंड विथ टाइम देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन इट, लेकिन इसे पूरा झूठ कहना, ये बात तो कोई ठीक नहीं हुई। बट विद टाइम क्या ऐसा हुआ कि ये कंसेप्ट हिस्ट्री से चेंज होके माइथोलॉजी बन गई? में बहुत बड़ा हाथ है ब्रिटिशर्स का। जी हाँ, ब्रिटिशर्स का। When the Britishers started ruling India, they were greatly influenced by the high ideals of Vedas and great epics. One of the finest example of this was Warren Hastings, who was the former Governor General of India from 1772 to 1785. He was so influenced by Indian books and scholars that he started making this thought reach to other Europeans in Europe. This was not accepted by other Britishers. Now, to control the situation, they termed it as Brahminization of Englishmen. 1813 में जेम्स मिल ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बुक ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया था। इस बुक में इंडिया के वेदास और एपिक्स को बहुत ही नेगेटिव वे में लिखा गया है, और ताज्जुब की बात यह है कि इस बुक को लिखने से पहले कभी जेम्स मिल इंडिया आए ही नहीं थे। इस बुक को ईस्ट इंडिया सिलेबस का पार्ट बनाया गया और ये कंपलसरी हुआ कि इसको पास करके ही ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में अपॉइंट हो सकते हैं। सो नाउ ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टॉप्ड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर। इन फैक्ट दे स्टार्टेड सीइंग द इंडियन कल्चर इन अ वेरी नेगेटिव व्यू। रियल प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुआ जब ये सेम सिलेबस इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में पार्ट बन गया और हम इंडियंस को ये सिखाया गया कि हमारे सदियों पुरानी स्क्रिप्चर्स सिर्फ एक झूठ या मिथ है। ये सब सुनकर फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि रामायण झूठ है।
रामायण सच है या झूठ है ये तभी प्रूफ हो गया था जब इससे ज्ञान लेकर छत्रपति शिवाजी एक आइडियल लीडर एंड ग्रेट रूलर बने थे। मेगास्थेनेस ने अपनी बुक इंडिका लिखी थी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच से शिकागो में तहलका मचाया था। निकोला टेस्ला ने एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस किए थे। और तो और इस इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में कई और बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जिनको एटम बम का फादर माना जाता है, जॉर्ज हैरिसन एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा जिन्होंने अपनी बुक द प्रोमिस्ड लैंड में इन्हीं बुक्स का मेंशन किया है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती और वे बहुत लोग हैं जो इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं। इन सभी में एक चीज तो कॉमन था, इन सभी लोगों ने शब्दों को नहीं उनमें छिपी गहराइयों को समझा था। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि ईविल और झूठ कितना भी पावरफुल हो ना हो, लेकिन जीत तो हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और क्या आपको लगता है कि रावण कमजोर था इसलिए हार गया? जी नहीं, रावण के अहंकार ने ही उसको मार डाला। वो अपने ही अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो हार गया। रामायण में इतने सारे लेसन्स हैं कि हम बहुत ही छोटी से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, रामायण सच है या झूठ है इस पे ज्यादा डिबेट ना करके इसके लेसन्स को सीखते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यूज ऐड करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा या आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यूज ऐड हुई या इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट बिलो।